हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। कैसे हो भाई? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आपका एग्जामिनेशन जो बीएओ का था वो भी सभी का अच्छा रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कवर भी किए थे। जो स्टूडेंट्स बैच में इनरोल थे उनका तो मोस्ट ऑफ सारा ही कवर था, लेकिन यूट्यूब सेशन के अंदर से भी अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किए थे। और वो तो आप लोगों को ही पता है, जिस तरीके से पेपर दे के आए हैं सबको पता लग गया होगा आई होप। एक बार जितने स्टूडेंट्स लाइव हैं फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, फिर आज के बेहतरीन एमसीक्यू सीरीज की अपन शुरुआत करेंगे। और डेली बेसिस पे हम लोग नए नए एमसीक्यू आपके एंटोमोलॉजी के हैं, चाहे एग्रोनॉमी है या अदर सब्जेक्ट्स जो भी हैं आपके, सबके सब डिस्कस करेंगे। शर्मा गुड मॉर्निंग, शुभम जैन गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और राज, चलिए भाई गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए चलिए, उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि IBPS CFO के लिए जो बैच है आपका 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, और इसमें डेमो सेशन भी आपके अवर हो गए हैं, और एक्चुअल जो सेशन है वो आपका बिल्कुल सटीक तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। दो दो तीन तीन क्लासेज हो भी गई हैं, तो जो स्टूडेंट्स ने अभी तक इनरोल नहीं किया है वो इस बैच के अंदर आप लोग इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशन है, विषय पुस्तकें जो भी आपका सब्जेक्ट मटेरियल है सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। फ्री एमसीक्यू बैच भी आपका एमसीक्यू महासंग्राम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिलेगा, जिसका प्राइस मात्र है आपका 15,000 रुपये। और अगर आप KL20 कूपन कोड को इस्तेमाल करते हैं तो आपका डिस्काउंट होकर के ये प्राइस आपको मिलेगा मात्र 12,000 रुपये के अंदर। और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज के बेहतरीन एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू स्पाइसेज प्रोडक्शन। स्पाइसेज प्रोडक्शन यानी कि मसाला उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? निम्न में से कौन सी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है? एक नंबर ऑप्शन है ब्राउन रिवोल्यूशन भूरी क्रांति, गोल्डन रिवोल्यूशन सुनहरी क्रांति, सिल्वर रिवोल्यूशन सिल्वर क्रांति, बादामी रिवोल्यूशन बादामी क्रांति। आपको बताना है कि मसाला उत्पादन से कौन सी क्रांति जो है वो संबंधित है, बताओ भाई। राइट आंसर दे दो फटाफट से कि कौन सी क्रांति है आपके मसाला उत्पादन से संबंधित है, बताओ भाई। वेरी गुड वेरी गुड, जिन्होंने आंसर दिया उन सबका ठीक है, कुछ एक का तो ठीक है, कुछ एक का गड़बड़ है आंसर। देखो भाई बताओ फटाफट से, सभी लोगों का जवाब आना चाहिए, मसाला उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? लोग कंफ्यूज हो रहे हैं काफी सारे स्टूडेंट्स। देखिए अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स मसाला उत्पादन से, तो मसाला उत्पादन से आपकी कौन सी क्रांति रिलेटेड है? बादामी रिवोल्यूशन आपकी किससे संबंधित है? मसाला उत्पादन से संबंधित है। आपसे यही पूछा था स्पाइसेज प्रोडक्शन से सबसे रिलेटेड रिवोल्यूशन जो है वो आपकी कौन सी है? बादामी रिवोल्यूशन है। और सारी रिवोल्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा। गोल्डन रिवोल्यूशन सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? जवाब दे भाई, सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? ब्राउन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? बताओ सबके सब, सिल्वर रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? सिल्वर रिवोल्यूशन बिल्कुल ठीक है, कॉटन से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आपका क्या बनेगा? डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। निम्न में से कौन सा वर्गीकरण
कृषि प्रायोजन के लिए उपयुक्त है, यानी कि एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए कौन सा क्लाइमेट का वर्गीकरण है। ए नंबर ऑप्शन आपके पास है कोपेन, बी नंबर ऑप्शन आपके पास है ट्रॉल, सी नंबर ऑप्शन आपके पास है थोरेंथवेट और डी नंबर ऑप्शन आपके पास है डी कैंडोले। आपको बताना है निम्न में से कौन सा वर्गीकरण कृषि प्रायोजन के लिए प्रयुक्त है, कौन सा वर्गीकरण जो है वो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। कोपेन का है या ट्रोल का है या थोरेंथवेट का है या डी कोंडोले का है। बताओ भाई, राइट आंसर दे दो फटाफट से कि कौन सा क्लासिफिकेशन जो है वो आपका एग्रीकल्चर पर्पज के लिए सुटेबल माना जाता है। बताओ फटाफट से, राइट आंसर दे दो। वेरी गुड, ठीक है। कईयों का जवाब गड़बड़ है अभी तक। देखो, आपसे पूछा है कौन सा वर्गीकरण कृषि एग्रीकल्चर पर्पज के लिए पूछा है, तो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए तो अभी तक आप लोगों ने ठीक जवाब नहीं दिया, एक आध स्टूडेंट्स को छोड़ करके। देखो भाई, बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने आंसर दिया है ट्रॉल, जिन्होंने आंसर दिया ट्रॉल, उन सब का ठीक है। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए सबसे जो यानी कि सुटेबल जो माना जाता है वो आपका किसका क्लासिफिकेशन माना जाता है, ट्रॉल का क्लासिफिकेशन माना जाता है। कॉपेन ने तो वेजिटेशन के आधार पर वर्गीकरण किया था, वेजिटेशन के आधार पर वर्गीकरण किसने किया था, वनस्पति के आधार पर जो क्लाइमेट का वर्गीकरण है वो किसने किया था, कॉपेन ने किया था। एग्रीकल्चर पर्पज के लिए अगर आपसे सुटेबल पूछ लिया जाए तो वो आपके कौन है, ट्रॉल है। कौन है? ट्रॉल है। और पीई इंडेक्स के आधार पर आपका किसने जो है वो किया था, पीई इंडेक्स के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो वो है आपका थोरेंथवेट ने किया था। किसने किया था? थोरेंथवेट ने किया था। और कोपेन ने वेदर एलिमेंट के बेस पर आपका क्लासिफाई किया था। कोपेन का वेदर एलिमेंट लिख लेना, वेजिटेशन के बेस पे नहीं, वेजिटेशन के लिए सुटेबल है लेकिन वेदर एलिमेंट के आधार पर, वेदर एंड एलिमेंट के आधार पर जो है वो इन्होंने क्लासिफाई किया था। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम थर्मोमीटर इज फिल्ड विद, यानी कि अधिकतम तापमापी में भरा होता है, अधिकतम तापमापी जो होता है उसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है, वेरिलियम है या मर्क्यूरी है या अल्कोहल है या रेडियम है। तो आपसे पूछा गया है मैक्सिमम जो थर्मामीटर होता है, मैक्सिमम जो तापमान ग्राही होता है या जो तापमान ऑब्जर्वर होता है थर्मामीटर, उसके अंदर क्या फिलअप रहता है, बताओ भाई। राइट आंसर दे दो, राइट आंसर दे दो। देखो, अगर अपन बात करें मैक्सिमम थर्मोमीटर की, तो मैक्सिमम थर्मोमीटर के अंदर स्टूडेंट क्या भरा हुआ रहता है, मरकरी, यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड भी अपन इसे बोल सकते हैं, HgCl2। मरकरी जो है वो आपका अधिकतम तापमान भी के अंदर भरा हुआ रहता है। और आपका जो आपका मिनिमम थर्मोमीटर की बात करें तो मिनिमम थर्मोमीटर के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, अल्कोहल। मिनिमम थर्मोमीटर के अंदर, मिनिमम तापमान ग्राही के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, अल्कोहल। अल्कोहल क्यों भरा हुआ रहता है, क्योंकि इसके अंदर ये आपका अल्कोहल क्या है, एक डिहाइड्रे यानी कि जमता नहीं है, अल्कोहल जो है वो कम तापमान के ऊपर जमता नहीं है। इसके लिए अपन कम तापमान ग्राही जो होता है उसके अंदर क्या भर के रखते हैं, अल्कोहल जो है वो उसके अंदर भरा हुआ रहता है। तो मिनिमम थर्मोमीटर के अंदर आपसे पूछ ले भी क्या भरा हुआ रहता है, तो वो आपका अल्कोहल है। अगर आपसे पूछ ले मैक्सिमम थर्मोमीटर के अंदर क्या भरा हुआ रहता है, तो मैक्सिमम थर्मोमीटर के अंदर आपका HgCl2 भरा हुआ रहता है। वेरी गुड, मिनिमम थर्मोमीटर के अंदर अल्कोहल, अल्कोहल आपका जमता नहीं है, फ्रीजिंग नेचर का नहीं है, जमने वाला नेचर नहीं है, इसलिए अल्कोहल को मैक्सिमम थर्मोमीटर के अंदर भरा जाता है। तो इसका राइट आंसर मैक्सिमम पूछा था, तो राइट आंसर क्या बनेगा, बी नंबर ऑप्शन बनेगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट से बताइए राइट आंसर।
कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, पूर्ण आर्द्रता की इकाई होती है, यानी कि एब्सोल्यूट जो ह्यूमिडिटी होती है उसकी इकाई क्या होती है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत होती है, या ग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, या ग्राम पर केजी होती है, या सेकंड पर मीटर स्क्वायर होती है। आपसे पूछा गया है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट जो है वो क्या होती है, तो बताओ भी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट क्या होती है। ये आपके रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ही टाइप होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से हम लोग मेजर करते हैं। एक तो आपको पता होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी के अंदर आपका तीन टाइप होते हैं मेनली, एक तो आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है और एक आपका एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, एक आपका होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। आपसे पूछा है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट कौन सी होती है, तो बताओ भाई परसेंटेज होती है, या ग्राम पर क्यूबिक मीटर होती है, या ग्राम पर केजी होती है, या सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होती है, बताओ फटाफट से ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए देखिए इसके राइट आंसर की अगर बात करें, वेरी गुड वेरी गुड, काफी सारे लोगों का ठीक है, अवनी का ठीक है, प्रियंका का ठीक है, यश का ठीक है, अरविंद आपका गलत है ना, ए नंबर नहीं होता है भाई, परसेंटेज जो है आप ऐसे ही परसेंटेज तो मापते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किसको, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को किससे मापा जाता है, प्रतिशत से मापते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है, वाटर वेपर यानी कि कितना वाटर जो है वो एयर के अंदर प्रेजेंट है और कितना वाटर वेपर हवा के अंदर पानी जो है वो कितना है प्रेजेंट इन एयर, हवा के अंदर पानी कितना है और इसके ये उसे संतृप्त होने के लिए कितने पानी की आवश्यकता है, इनके रेशियो को ही हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी से क्या करते हैं, नोट करते हैं। तो वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर और वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन और इनटू कर दें क्या 100, तो आपके पास स्टूडेंट क्या निकल करके आता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता निकल करके आती है, ठीक है। और इसको हम लोग मेजर किसमें करते हैं, परसेंटेज के अंदर इसको मेजर किया जाता है। ग्राम पर मीटर क्यूब की बात करें या क्यूबिक मीटर की बात करें तो ये आपके पूर्ण आर्द्रता यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को मापने की यूनिट है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को मापा जाता है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को किस है ग्राम पर क्यूबिक मीटर से मापा जाता है। और अगर बात की जाए स्टूडेंट ग्राम पर केजी, तो ग्राम पर केजी जो है वो आपका किस चीज को मापता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है उसको मापने के लिए किसकी यूज किया जाता है, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए आपका किसका यूज किया जाता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के लिए, ग्राम पर केजी का। और अगर आपसे पूछ ले पूर्ण आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्राम पर क्यूबिक मीटर का। और आपसे पूछ ले कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वो हम लोग यूज करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी के लिए परसेंटेज का। और सापेक्षिक आर्द्रता होती है वाटर वेपर, हवा में कितना नमी है अपॉन के अंदर उसे संतृप्त होने के लिए कितने नमी की आवश्यकता है, इनटू 100 कर दें तो ये हमारा निकल करके आता है। इसका राइट आंसर आपका क्या था, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर था, वेरी गुड। प्लीज एक बार जितने स्टूडेंट्स लाइव हैं फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, 34 स्टूडेंट ही लाइव वॉच कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बताओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़ों के दाब को मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है, विच मीटर इज यूज टू मेजर रूट प्रेशर, रूट प्रेशर को मापने के लिए जड़ों के दबाव को मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है, एक नंबर है एल्टीमीटर, बी नंबर ऑप्शन है मैनोमीटर, सी नंबर ऑप्शन है पोरोमीटर, डी नंबर ऑप्शन है पिकनोमीटर। आपसे पूछा जड़ों के दबाव को मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है, बताओ भी फटाफट से किस मीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं, बताओ फटाफट से राइट आंसर क्या बनेगा, बताओ भाई फटाफट से राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर दे दो,
बिल्कुल ठीक है, अन्नू यादव का ठीक है, अभिषेक अभिषेक का भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने बी नंबर आंसर दिया है उन सब का ठीक है। देखो जड़ों के दबाव को मापने के लिए तो हम लोग प्रयोग के अंदर लेते हैं मैनोमीटर, जड़ों के दाब को मापने के लिए, जड़ों के दबाव को मापने के लिए कौन सा मीटर यूज किया जाता है, मैनोमीटर। एल्टीमीटर जो होता है यानी कि हाइट मापने के लिए, एटमोस्फेरिक हाइट यानी कि वायुमंडल की एटमोस्फेरिक हाइट जो होती है उसको मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एल्टीमीटर का। तो एल्टीमीटर ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है पोरोमीटर। पोरोमीटर की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो वे ये स्टोमेटा बिहेवियर यानी कि स्टोमेटा बिहेवियर को मापने के लिए काम में लिया जाता है। स्टोमेटा बिहेवियर मापने के लिए किसका काम में लेते हैं, पोरोमीटर को काम में लिया जाता है। और एक आपके पास आता है स्टूडेंट पिकनोमीटर। कौन सा, पिकनोमीटर। तो पिकनोमीटर से याद रखना, सॉयल की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है उसको मापने के लिए मृदा की स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी को मापने के लिए हम लोग किसका काम में लेते हैं, उसको काम में लेते हैं पिकनोमीटर को। तो एल्टीमीटर ऊंचाई के लिए, मैनोमीटर दाब के लिए, पोरोमीटर स्टोमेटा के लिए, और उसके बाद में आता है पिकनोमीटर आपका यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए। एक आता है कैम्बल स्ट्रोक। कौन सा, कैम्बल स्ट्रोक। कैम्बल स्ट्रोक हम लोग किसके लिए प्रयोग में लेते हैं स्टूडेंट, कैम्बल स्ट्रोक जो है वो हम लोग सनशाइन यानी कि कितने घंटे धूप रहती है, कितने घंटे प्रकाश रहता है, इस चीज को मापने के लिए, सनशाइन के हॉवर्स को यानी कि धूप के घंटों को मापने के लिए हम लोग कौन से मीटर का प्रयोग लेते हैं, कैम्बल स्ट्रोक का। ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन नापने के लिए कैम्बल स्ट्रोक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। एक होता है आपका डायनेमोमीटर। कौन सा, डायनेमोमीटर। डायनेमोमीटर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए काम में लिया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को या इलेक्ट्रिक करंट को मापना हो तो उसके लिए हम लोग कौन सा मीटर काम में लेते हैं, डायनेमोमीटर जो है उसको काम के अंदर लिया जाता है, ठीक है। सी के अंदर विंड फोर्स को मापना हो तो उसके लिए हम लोग प्रयोग में लेते हैं ब्यूफोर्ट स्केल। कौन सा स्केल काम में लेते हैं, ब्यूफोर्ट स्केल यानी कि काम में लेते हैं। तो आपसे पूछा था जड़ों के दाब को मापने के लिए किस मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि फॉर व्हाट पीरियड ऑफ टाइम इज शॉर्ट टर्म वेदर फोरकास्ट वैलिड, ठीक है। तो आपको बताना है लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान कितनी समयावधि के लिए मान्य होता है। लघु अवधि यानी कि शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग हम लोग जो करते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं, वो कितने समय के लिए वैलिड होता है, मान्य होता है, 1 से 2 दिन के लिए, या 3 से 10 दिन के लिए, या 10 से अधिक दिन के लिए, या कुछ घंटों से लेकर के 1 दिन के लिए। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, लघु अवधि मौसम पूर्वानुमान जो है वो कितनी समयावधि के लिए प्रयोग में लिया जाता है, बताओ भाई फटाफट से राइट आंसर दे दो इसका। शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग हम लोग कितने टाइम के लिए करते हैं, बताओ भाई। शॉर्ट रेंज लघु अवधि समय जो आंकलन है हम लोग कौन सा काम में लेते हैं, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग जो है वो कौन सी काम के अंदर ली जाती है, वेरी गुड। देखिए अगर अपन शॉर्ट रेंज की बात करें तो शॉर्ट रेंज होता है आपका 3 दिन से लेकर के कम, 3 से कम वाला आपका कौन आ गया, 1 से 2 दिन के लिए आ गया, ठीक है। उसके बाद में आता है 3 से 10 दिन, 3 से 10 दिन के लिए हम लोग जो होता है वो होता है आपका मीडियम रेंज यानी कि मध्यम समयावधि के लिए हम लोग काम में लेते हैं, और 10 से अधिक दिन का जो होता है वो आपका लॉन्ग रेंज यानी कि लंबी समयावधि के लिए काम में लिया जाता है। कौन सा वेदर फोरकास्टिंग, 10 दिन से अधिक के लिए, वो आपका आता है लॉन्ग रेंज में, कौन से में आता है, लॉन्ग रेंज में। मीडियम यानी कि मीडियम रेंज के अंदर मध्यम समयावधि के लिए जो है वो आपका कौन सा है, 3 से 10 दिन के लिए, और लघु समयावधि के लिए जो हम लोग काम में लेते हैं वो है आपका 3 से कम दिन के अंदर।
एक चीज स्टूडेंट आप लोग ध्यान रखना कि क्रॉपिंग पैटर्न हम लोगों को जब सिलेक्ट करना होता है, क्रॉपिंग पैटर्न हम लोग जब सिलेक्ट करने वाले होते हैं उसको अगर हमें चुनना होता है तो हम लोग कौन सी समयावधि वाला जो वेदर फोरकास्टिंग है, मौसम पूर्वानुमान का प्रयोग लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग कौन सा काम के अंदर लेते हैं भाई, लॉन्ग रेंज काम के अंदर लेते हैं। कौन सा? लॉन्ग रेंज जो है वो काम के अंदर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल लोकनाथ जी, बिल्कुल यही है। ठीक है, तो अपन किसका काम में लेते हैं? क्रॉपिंग पैटर्न वगैरह अगर हमें चूज करना हो तो उसके अंदर हम लोग लॉन्ग रेंज की जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, दीर्घ समय मौसम पूर्वानुमान जो होता है, मौसम पूर्वानुमान उसका यूज करते हैं। पूर्वानुमान वैसे शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज, ये तीन टाइप की वेदर फोरकास्टिंग जनरली हम लोग काम के अंदर लेते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डे इन इफेक्टिव प्लान, यानी कि निम्न में से कौन सा दिवस निष्प्रभावी पादप है। डे इनफेक्टिव प्लांट जो है, या अगर अपन बात करें डे न्यूट्रल प्लांट जो है, वो निम्नलिखित में से कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन आपके पास है सूरजमुखी, बी नंबर ऑप्शन है कॉटन, सी नंबर है बकवीट और डी नंबर ऑप्शन आपके पास है उपयुक्त सभी। बताओ भाई फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड विवेक पाल जी, वेरी गुड, शानदार। आरम यादव बिल्कुल डी है। अन्नु गड़बड़ कर दिया आपने आंसर। अवनी आपका आंसर भी गड़बड़ है बिल्कुल। लोकनाथ सिंह का ठीक है। अभिषेक का भी बिल्कुल ठीक है, डी नंबर। देखो भाई, अगर अपन देखो, अब कई लोगों ने क्या है, अभी सनफ्लावर ही आंसर पड़ा हुआ है, उनको आगे वाले ऑप्शन उन्होंने देखे ही नहीं कि आगे वाले ऑप्शन है क्या, तो इसलिए उनका क्वेश्चन गलत हो गया है। क्योंकि ये आता हुआ क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके से एग्जाम में गलत करते हैं और ऐसे ही ऑप्शन एग्जाम में आपको मिलेंगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डे इनफेक्टिव प्लांट, यानी कि निम्न में से कौन सा दिवस निष्प्रभावी पौधा है। तो सनफ्लावर भी दिवस निष्प्रभावी है, कॉटन भी दिवस निष्प्रभावी है, बकवीट भी आपका दिवस निष्प्रभावी है, और राइट आंसर आपको दे रखा था डी नंबर ऑप्शन। कौन सा? डी नंबर ऑप्शन। हाँ, तो इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन हमें ऐसा नहीं है कि हमें आते नहीं होते, काफी सारे क्वेश्चन आप कोई भी जो मर्जी एग्जाम दे के आओ उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो हमारे प्रॉपर कंसंट्रेशन या प्रॉपर रीड न करने की वजह से गलत होते हैं, या पहला ऑप्शन ही इतना लुभावना होता है कि वो आगे वाले पढ़ने ही नहीं देता हमें, हम लोग टिक मार के आगे चलते हैं। तो ऐसी जल्दबाजी हमें नहीं करनी है। डे न्यूट्रल प्लांट का पूछा था, तो डे न्यूट्रल प्लांट सारे के सारे हैं। राइट आंसर क्या बनेगा? डी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर। डे न्यूट्रल प्लांट स्टूडेंट, यानी कि इनके ऊपर लाइट इंटेंसिटी का ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, यानी कि पुष्प निकलते समय जो प्रकाश होता है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, या प्रकाश की अवधि जो है वो पुष्पन को इनके वो किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं करती है। वैसे तो हम लोग इसको तीन भागों के अंदर डिवाइड करते हैं, शॉर्ट डे प्लांट यानी कि लघु अवधि का पौधा, और उसके बाद में आता है आपके शॉर्ट डे, उसके बाद में आता है आपके पास लॉन्ग डे प्लांट, और एक आता है आपके पास डे न्यूट्रल प्लांट यानी कि दिवस निष्प्रभावी पौधे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट डे प्लांट कौन से होंगे? शॉर्ट डे प्लांट कौन से होंगे भाई? जो सारे के सारे, यानी कि मोस्टली जो खरीफ वाले हैं वो सारे के सारे शॉर्ट डे प्लांट होंगे। लॉन्ग डे वाले यानी कि सारे के सारे रबी वाले मोस्टली आपके कैसे होंगे? लॉन्ग डे। और डे न्यूट्रल प्लांट के अंदर ये सारे के सारे एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हैं। सनफ्लावर है, कॉटन है और आपका बकवीट है। इसका राइट आंसर बनेगा डी नंबर। शॉर्ट डे प्लांट यानी कि जिन्हें मतलब कि आपका 10-13-14 घंटे से कम लाइट की आवश्यकता होती है। लॉन्ग डे प्लांट जिन्हें 13-14 घंटे से ज्यादा लाइट की आवश्यकता होती है। ठीक है, और डे न्यूट्रल प्लांट इनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलिए, राइट आंसर तो है डी नंबर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, लार्वा ऑफ कोलियोप्टेरा, यानी कि कोलियोप्टेरा के लार्वा को जो है वो क्या कहा जाता है। कोलियोप्टेरा का जो लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं? ए नंबर ऑप्शन है कैटरपिलर कहते हैं, बी नंबर ऑप्शन आपके पास है गर्भ कहा जाता है, सी नंबर ऑप्शन है न्याड्स कहा जाता है, डी नंबर ऑप्शन है आपके पास मैगट कहा जाता है। तो कोलियोप्टेरा की लार्वी को क्या कहा जाता है? आपको देना है सही जवाब। दीजिए भाई फटाफट से राइट आंसर दे दीजिए। कुछ एक स्टूडेंट्स का जवाब आ गया है, बाकी भी फटाफट से जवाब दे। कोलियोप्टेरा की लार्वा को क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं, गर्भ कहते हैं, न्याड्स कहते हैं, या क्या कहा जाता है? मैगट कहा जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग राइट आंसर की बात करें,
टेरा के लार्वा को कहा जाता है, गर्भ कहा जाता है, क्या कहा जाता है, गर्भ कहा जाता है, कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, कोलियोप्टेरा के लार्वा को, ठीक है। और इसके अलावा ध्यान रखना, नेक्स्ट आपके पास जैसे मान लीजिए कैटरपिलर किसके लार्वा को बोलते हैं, कैटरपिलर जो होता है वो होता है लेपिडोप्टेरा का लार्वा, लेपिडोप्टेरा के लार्वी को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर कहा जाता है। आपके पास जैसे न्यार्स, न्यार्स हम लोग किसको बोलते हैं, जो एक्वाटिक्स होते हैं, एक्वाटिक्स के लार्वा को क्या बोला जाता है, न्यार्स हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आता है आपके पास मैगट, मैगट किसको बोला जाता है स्टूडेंट, जो डिप्टेरा होता है, डिप्टेरा की लार्वा को क्या बोला जाता है, मैगट बोला जाता है। कोलियोप्टेरा के लार्वा को गर्भ कहा जाता है, लेपिडोप्टेरा के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाएगा, एक्वाटिक्स के लार्वा को न्यार्स कहेंगे, डिप्टेरा की लार्वी को क्या कहा जाएगा, मैगट कहा जाएगा। और आपसे पूछा था कि गर्भ जो है वो सॉरी कोलियोप्टेरा के लार्वा को, ये सारे के सारे टाइप्स ऑफ लार्वी है, कई बार गर्भ न लिख करके यहां लार्वा लिख देता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये सारे के सारे टाइप ऑफ लार्वा है, अलग अलग ऑर्डर के जो कीट होते हैं उनके अंदर ये लार्वल स्टेजेस अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। जैसे गर्भ की बात करूं तो बहुत ही एक आइडेंटिकल सिम्टम है, जो ग्राउंड नट होता है ना, ग्राउंड नट की क्रॉप यानी कि मूंगफली की जो फसल होती है उसके अंदर एक कीट अटैक करता है, कौन सा, व्हाइट गर्भ, कौन सा, व्हाइट गर्भ, व्हाइट गर्भ जो यानी कि सफेद लट जिसे हम लोग बोलते हैं, ये सफेद लट जो होता है इसका जो गर्भ अवस्था होती है ये सी शेप की देखने को मिलती है, इस तरीके की। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार आया हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी लार्वी जो है वो सी शेप की देखने को मिलती है, तो ये आपके किसकी देखने को मिलती है, व्हाइट गर्भ जो होती है उसकी लार्वी सी शेप की देखने को मिलती है, तो ये क्वेश्चन। और कलर इसका कैसा होता है, थिक क्रीमी और व्हाइटिश कलर जो है वो इसका देखने को मिलता है, हल्की जो नम मृदा होती है, सैंडी सॉइल होती है उसके, वो कंडीशन इसके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल मानी जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग यहां से ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिविजुअल राइस ग्रेन बिकम व्हाइट, यानी कि किस कीट के कारण चावल के एक एक दाने का रंग सफेद और परतदार हो जाता है, कौन सा कीट जब यानी कि धान की फसल में अटैक करता है जिसके कारण आपके एक एक दाने का रंग सफेद और परतदार हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन आपके पास है राइस का गदी बग, बी नंबर ऑप्शन है ग्रीन लीफ ऑपर, सी नंबर ऑप्शन है राइस का गालमिज या राइस की गॉल फ्लाई, और डी नंबर ऑप्शन है राइस का लीफ होल्डर। तो निम्नलिखित में से किस कीट के अटैक के कारण चावल के दानों का रंग सफेद और परतदार हो जाता है, बताओ भी फटाफट से बताओ किसके कारण होता है, बताओ भाई, राइट आंसर दे दो फटाफट से। वेरी गुड, शानदार, वेरी गुड, शानदार, देखिए, वेरी गुड, दे दीजिए भाई, सभी जवाब दीजिए। देखिए अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट राइट आंसर की, तो राइट आंसर क्या बनेगा, कुछ एक ने सी भी जवाब दिया है, भाई सी नहीं होगा जवाब, राइट आंसर तो बनेगा आपका ए नंबर ऑप्शन, धान का गदी बग, कौन सा, धान का गदी बग, या इसे ईयर हेड बग के नाम से भी जाना जाता है, इस कीट को जो है वो ईयर हेड बग के नाम से भी जाना जाता है, या धान का जो राइस का गदी बग होता है उसको, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम की अगर हम लोग बात करें, वैज्ञानिक नाम की अगर हम लोग बात करें तो स्टूडेंट वैज्ञानिक नाम क्या होता है, लेप्टोकोर्सिया एक्यूटा, वैज्ञानिक नाम इस कीट का क्या होता है, लेप्टोकोर्सिया एक्यूटा इसका वैज्ञानिक नाम है। फैमिली की बात करें तो कोरिडी इसकी फैमिली है, कौन सी, कोरिडी जो इसकी क्या है, कोरिडी इसकी क्या है, फैमिली है। और बग सारी की सारी मोस्टली किसके अंदर आती है, हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आती है, किसके अंदर आती है, ऑर्डर के अंदर आती है, तो इसकी फैमिली होगी आपकी कौन सी, कोरिडी फैमिली, ऑर्डर इसका हेमिप्टेरा, और लेप्टोकोर्सिया एक्यूटा इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। इस कीट के अटैक के कारण चावल के एक एक दाने का रंग जो है वो सफेद और क्या हो जाता है, परतदार हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट आपके पास कीट कौन सा, धान का ग्रीन लीफ होपर है, कौन सा है, ग्रीन लीफ ऊपर का अगर वैज्ञानिक नाम की बात करूं तो वो कौन सा होता है, नेफोटेटिक्स, नेफोटेटिक्स वीरेसेंस, कौन सा, नेफोटेटिक्स वीरेसेंस जो है
वो किसका वैज्ञानिक नाम होता है? ग्रीन लीफ होपर का वैज्ञानिक नाम होता है। और धान के अंदर यह कीट जो है वो टुंग्रो वायरस के वाहक का काम करता है, यानी कि टुंग्रो वायरस को ट्रांसमिट करने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? ग्रीन लीफ होपर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये अगर ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें ग्रीन लीफ ऑर्डर की, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा हेमिप्टेरा। कौन सा? हेमिप्टेरा। और स्टूडेंट ये खास बात आप लोग ध्यान रखना कि हेमिप्टेरा के अंदर आने वाले जितने कीट होते हैं मोस्टली सारे के सारे सकिंग नेचर के होते हैं, रस चूसने वाले कीट होते हैं, और ये वायरस जनित बीमारियों में वाहक का क्या करते हैं? काम करते हैं। और इसकी फैमिली की बात करें, ग्रीन लीफ होपर की फैमिली भी बता देता हूं कौन सी होती है, कॉक्सिनेलिडी फैमिली होती है। कौन सी होती है? कॉक्सिनेलिडी इसकी क्या है? फैमिली है। नाम इसका नेफोटेटिक्स वीरेसेंस, कॉक्सिनेलिडी फैमिली है, हेमिप्टेरा इसका क्या है? ऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है राइस गालमीज, बता दूं राइस गालमीज का जो नाम होता है वो कौन सा है? ओर्सिलिया ओराइजी है। कौन सा है? ओर्सिलिया ओराइजी, ओर्सिलिया ओराइजी, ओर्सिलिया ओराइजी किसका वैज्ञानिक नाम है? ओर्सिलिया ओराइजी नाम है राइस के गालमीज या राइस की गाल फ्लाई का वैज्ञानिक नाम है ओर्सिलिया ओराइजी। और इसकी फैमिली जो है वो कौन सी होती है? सेसिडोमीडी फैमिली। कौन सी? सेसिडोमीडी फैमिली। सेसिडोमीडी फैमिली जो है वो किसकी होती है? राइस गाल फ्लाई की होती है। और फ्लाई है तो डिप्टेरा इसका क्या होता है? ऑर्डर होता है। डिप्टेरा इसका क्या है? ऑर्डर होता है। क्लियर है? ये सारे के सारे आपके मेन मेन पेस्ट मैंने आपको बता दिए। वैसे तो आप राइस लीफ होल्डर का भी ध्यान रख सकते हो, कैना फोलोक्रिस मेडिनेलिस। स्पाइरलिडी इसकी क्या होती है? फैमिली होती है राइस लीफ होल्डर की। लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर होता है। मोटे मोटे कीट मैंने सारे के सारे आपको बता दिए हैं। बिल्कुल अमित प्रजापति, जहां तक मेरा अनुमान है कि यूपीटीए का वैकेंसी का नोटिफिकेशन बस आज कल में आने ही वाला है, मतलब ऐसी संभावना चल रही है एक आधे दिन के अंदर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ कैना फ्लोक्रिस मेडिनेलिस। अब ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, यानी कि कैना फ्लोक्रिस मेडिनेलिस का सामान्य नाम क्या है? यानी कि ए नंबर है राइस का गदीबग, दो नंबर है राइस का ग्रीन लीफ होपर, तीसरा है राइस का गालमीज, और डी नंबर ऑप्शन है आपका कौन सा? डी नंबर ऑप्शन है राइस का लीफ होल्डर। ये किसका इसका राइट आंसर बताओ, ये गलत नहीं होना चाहिए किसका। लास्ट क्वेश्चन में मैंने सारे के सारे आपको ठीक करवाए हैं। एंटोमोलॉजी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और आपके आई थिंक जो भी आगे के एग्जामिनेशन हो गए, चाहे यूपीटीए का एग्जाम हो, चाहे आपका राजस्थान के अंदर लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हो, सीधे क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे। वेरी गुड, राइट आंसर क्या बनेगा? राइस लीफ होल्डर। इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मेरा लास्ट के अंदर बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है हैंगिंग ऑफ लीफ केस, धान के खेत में पत्ती के सिर से पत्तियों का लटकना तथा पत्तियों का नीचे गिरना किसके द्वारा उत्पन्न लक्षण है? यानी कि धान के खेत में पत्ती के शीर्ष से पत्तियों का लटकना तथा पत्तियों का नीचे गिरना किसके द्वारा उत्पन्न लक्षण है? ए नंबर है नेम्पुला डिपन कटेलिस, बी नंबर ऑप्शन है बेंडिकोटा बेंगालेंसिस, तीसरा है हाइरोग्लाइफिस बेनियन, और डी नंबर है स्टेनोकीटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस। आपको बताना है इसका सही जवाब। धान के खेत में पत्तियों के सिर से पत्तियों का लटकना तथा नीचे गिरना किसके द्वारा उत्पन्न लक्षण है? बताओ भाई, राइट आंसर बताओ। हैंगिंग ऑफ लीफ केस, हैंगिंग ऑफ लीफ केस, बताओ भाई राइट आंसर दे दो। वेरी गुड, ए नंबर आंसर जिन्होंने दिया है उनका बिल्कुल ठीक है। ये किसके कारण होता है? निपुला डिपन कटेलिस के कारण होता है, या इसका कॉमन नेम की बात करें तो धान का केसवर्म। कौन सा? धान का केसवर्म जो कीट होता है, केसवर्म जो कीट है उसके कारण ये आपका देखने को मिलता है। इस तरीके के लक्षण आपके दिखाई देते हैं, पर धान के खेत से पत्तियां जो है वो टिप पोर्शन से नीचे लटकना स्टार्ट हो जाती है, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है, वो आपका धान के केसवर्म के कारण होता है।
और इस कीट की जो फैमिली होती है वो आपकी पायरेलिडी फैमिली होती है। कौन सी फैमिली होती है? पायरेलिडी इसकी फैमिली होती है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा इसका क्या है? ऑर्डर होता है। कौन सा ऑर्डर होता है? लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर होता है। इस कीट के लिए एक टिपिकल मैनेजमेंट काम में लेते हैं और सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पासिंग ए रॉप अवर द क्रॉप, यानी कि धान के खेत में ऊपर ऊपर से रस्सी को जो है वो गुजारा जाता है। ठीक है, धान के खेत के अंदर रस्सी को जो है वो ऊपर ऊपर से गुजारा जाता है, उसके कारण इसकी लार्वी जो टिप पोर्शन पर होती है, लार्वा जो टिप पोर्शन पर होता है वो डिसलोड होकर के कहां? नीचे पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से नीचे फील्ड में पानी खड़ा है तो ऊपर चढ़ नहीं पाएगा, तो इस कीट का क्या है? नियंत्रण हो जाता है। तो निम्फुला डिपनकटेलिस जो कीट है स्टूडेंट, वो आपका धान का केसवर्म है, और पायरेलिडिस की फैमिली है, लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है, और इस कीट के कारण ये कीट रहता कहाँ है? टॉप पोर्शन पर, जिससे पत्तियां लटकना स्टार्ट हो जाती है, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है, यह इस कीट के कारण ही पैदा होता है। राइट ऑप्शन तो है ए नंबर। बेंडिकोटा बेंगालेंसिस की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, बेंडिकोटा बेंगालेंसिस ये आपका होता है फील्ड रेट। कौन सा? फील्ड रेट, यानी कि चूहे जो खेत के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं उसका वैज्ञानिक नाम है बेंडिकोटा बेंगालेंसिस। और नेक्स्ट आता है हायरोग्लाइफिस बेनियन, धान का जो ग्रास होपर होता है, राइस का जो धान का ग्रास होपर है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? हायरोग्लाइफिस बेनियन है। नेक्स्ट आता है स्टीनोकिटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस, स्टीनोकिटोथ्रिप्स बाइफॉर्मिस ये आपके थ्रिप्स का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? थ्रिप्स का जो है वो वैज्ञानिक नाम है। क्लियर है? थ्रिपिडी इसकी फैमिली है, थाइसिनोप्टेरा इसका क्या है? ऑर्डर होता है। तो ये कुछ एक मोटे मोटे कीट भी मैंने आप लोगों को और क्लियर कर दिए। इसका तो राइट आंसर क्या बनेगा? ए नंबर ऑप्शन है बनेगा। अमित प्रजापति डेली मॉर्निंग के अंदर, भाई यह पहले क्लास का समय होता था ये 9:15 के लगभग, अब ये टाइम जो है वो आपका डेली 10:15 रहेगी, मंडे टू सैटरडे कोई गैप आपका नहीं होगा, डेली क्लास रहती है आपकी, एमसीक्यू सेशन चलता है और डिफरेंट कैटेगरी को एमसीक्यू हम लोग सॉल्व कराते हैं, चाहे एग्रोनॉमी हो, सोयल साइंस हो, प्लांट ब्रीडिंग हो, और चाहे जो मर्जी आपका एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ राइस ग्रास होपर, चावल टिड्डी का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है, गण क्या है आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन है ऑर्थोप्टेरा, बी नंबर ऑप्शन है थाइसेनोप्टेरा, सी नंबर है लेपिडोप्टेरा, और डी नंबर ऑप्शन है आपके पास कोलियोप्टेरा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, बताओ भी फटाफट से कौन सा इसका राइट आंसर है, बताओ भी। चावल टिड्डा यानी कि राइस ग्रास होपर जो है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ राइस ग्रास होपर, चावल टिड्डे का ऑर्डर क्या है? देखिए स्टूडेंट, अगर ऑर्डर की बात करें यानी कि धान के अंदर ग्रास होपर की, राइट आंसर तो आपको पता है ए नहीं है, ओ है, ऑर्थोप्टेरा है। कौन सा है? ऑर्थोप्टेरा है। धान का जो ग्रास होपर है उसका ऑर्डर तो है ऑर्थोप्टेरा। नेक्स्ट ऑप्शन था आपके पास थाइसेनोप्टेरा, थाइसेनोप्टेरा जो धान के अंदर अगर अपन बात करें, थ्रिप्स जो एक कीट लगता है, कौन सा? थ्रिप्स। तो थ्रिप्स का जो ऑर्डर है वो आपका थाइसेनोप्टेरा है। फैमिली की बात करूं तो स्टूडेंट, फैमिली इसकी कौन सी होती है? थ्रिपिडी फैमिली होती है। फैमिली इसकी कौन सी होती है? थ्रिपिडी इसकी क्या है? फैमिली होती है। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर बहुत सारे कीट आते हैं, राइस का केसवर्म हो गया, ये आपका किसके अंदर आता है? लेपिडोप्टेरा के अंदर आता है। बोरर सारे के सारे, जैसे जवार का स्टेम बोरर हो गया, जवार का तना छेदक हो गया, राइस का केसवरम हो गया, धान का केसवरम कीट हो गया, का केसवरम कीट, ये सारे के सारे केसवरम ये आपके किस ऑर्डर के अंदर आते हैं? लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। जितने के जितने बोरर होते हैं सारे के सारे आपके लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट आपके पास आता है यानी कि कोलियोप्टेरा, तो जितनी भी आपकी लट होती है सारी की सारी कौन से ऑर्डर के अंदर आती है? कोलियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आती है। विविल होते हैं, किस में आते हैं? कोलियोप्टेरा में आते हैं। जैसे गेहूं के अंदर अगर अपन बात करें तो एक कीट लगता है, कौन सा? गुंजिया विविल। कौन सा? गुंजिया विविल।
गुंजिया विविल एक कीट लगता है, उस कीट का ऑर्डर आपका कौन सा है, कोलियोप्टेरा है। ज्वार का बोरर सारे के सारे लेपिडोप्टेरा है। ऑर्थोप्टेरा के अंदर धान का ग्रास ओपर हो गया, थाइसेनोप्टेरा में थ्रिप्स हो गया, डिप्टेरा में आपकी जितनी फ्लाइयां आ जाती है मोस्टली डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर मोस्टली फ्लाइयां जो है वो आपकी कौन से ऑर्डर में आएगी, डिप्टेरा में आएगी। अगर बात की जाए हेमिप्टेरा ऑर्डर की, तो हेमिप्टेरा के अंदर स्टूडेंट जितने के जितने आपके क्या जो सकिंग नेचर के पेस्ट होते हैं, जैसे एफिड है, जैसिड है, व्हाइट फ्लाई है, सारे के सारे कौन से ऑर्डर के अंदर आते हैं, हेमिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए, यानी कि जैसे एक कीट होता है हाइमेनोप्टेरा, जैसे मस्टर्ड की सांप लाई है वो हेमिप्टेरा में नया आकर के वो आपके हाइमेनोप्टेरा के अंदर आती है, ठीक है, हाइमेनोप्टेरा के अंदर आती है, क्लियर है। तो ये आपका कुछ एक ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट, ये मैंने आपको अभी बताया था, पासिंग ए रॉप ओवर द क्रॉप द डिसलोड द लार्वा केस, लार्वा केस को हटाने के लिए फसल के ऊपर से रस्सी गुजारना किसके लिए किया जाता है, या किस कीट के नियंत्रण के लिए हम लोग ये मैनेजमेंट की प्रक्रिया अपनाते हैं। अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, राइट आंसर तो आपका क्या बनेगा, ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर बनेगा, लिम्फुला डिपन कटेलिस राइस का केसवरम, बैंडिकोटा बेंगालेसिस फिल्ड्रेट है, और हायरोग्लाइफिस पेनियन धान का ग्रास ऊपर है, स्टेनोकिटोथ्रिप्स बाई फॉर्मिस क्या है, थ्रिप्स है, क्या है, थ्रिप्स है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेस्ट ऑफ राइस नर्सरी, निम्न में से जो राइस की नर्सरी का पेस्ट जो है वो आपको बताना है, धान की नर्सरी का कीट जो है वो कौन सा है, बताओ भाई धान की नर्सरी का कीट कौन सा है, बताओ फटाफट से राइट आंसर दे दो, धान की नर्सरी का कीट कौन सा है, निम्न में से कौन सा एक ऐसा कीट है जो नर्सरी का पेस्ट है, ए नंबर ऑप्शन है टर्माइट, बी नंबर ऑप्शन है धान का थ्रिप्स, तीन नंबर ऑप्शन है शूट फ्लाई, डी नंबर ऑप्शन है आपके पास धान का लीप फोल्डर। तो आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा कीट है जो धान की नर्सरी का कीट माना जाता है, बताओ भाई फटाफट से राइट आंसर दे दो। बताओ नर्सरी का कीट कौन सा है, नहीं भाई देखो राइट आंसर इसके अंदर क्या बनेगा, राइस थ्रिप्स, जिन्होंने दिया है बी नंबर आंसर उन सब का तो ठीक है, जो राइस का थ्रिप्स होता है उसकी आपकी फैमिली जो है वो कौन सी, राइस का जो थ्रिप्स होता है वो आपका किसके अंदर आता है, वो आपका नर्सरी पेस्ट के अंदर हम लोग इसको कंसिडर करते हैं धान के अंदर। ट्रमाइट तो आपको पता ही है, ट्रमाइट का नाम क्या होता है, ट्रमाइट, ट्रमाइट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बताओ ट्रमाइट का वैज्ञानिक नाम, ओडेंटोटर्मिस ऑबिसस, क्या होता है ट्रमाइट जो कीट होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओडेंटोटर्मिस ऑबिसस होता है, क्या होता है, ओडेंटोटर्मिस ऑबिसस, क्लियर, क्या होता है, ओडेंटोटर्मिस, ओडेंटोटर्मिस ऑबिसस, ऑबिसस, ऑबिसस है ना, टर्मेटिडी इसकी क्या है, फैमिली होती है, कौन सी फैमिली होती है, टर्मेटिडी इसकी फैमिली होती है, ऑर्डर इसका कौन सा होता है, आइसोप्टेरा, कौन सा, आइसोप्टेरा इसका क्या है, ऑर्डर होता है, और ये जो जहां पर रहता है ये कीट उसके घर को क्या बोला जाता है, टर्मिटोरिया बोला जाता है, क्या बोला जाता है, टर्मिटोरिया बोला जाता है, और इस कीट को एक सोशल कीट का दर्जा भी मिला हुआ है, क्योंकि ये क्या है, कॉलोनी बना करके ये पेस्ट आपका रहता है, ठीक है। राइस थ्रिप्स तो अच्छे तरीके से आपको बता ही दिया था, धान का थ्रिप्स, और नेक्स्ट आता है शूट फ्लाई, शूट फ्लाई धान के अंदर नहीं लगती है, मेनली शूट फ्लाई जो पेस्ट होता है वो आपका जवार का होता है, किसका होता है, जवार का जो यानी कि पेस्ट होता है, सोरगम की शूट फ्लाई होती है, अथेरिगोना सोक्टा, क्या है, अथेरिगोना सोक्टा, और क्या है, अथेरिगोना सोक्टा इसका नाम, म्यूसिडी इसकी फैमिली होती है, डिप्टेरा इसका ऑर्डर होता है, और शुरुआती अवस्था के अंदर जब जवार की क्रॉप 7 से लेकर के 21 दिन की क्रॉप होती है उस दौरान इस कीट का अटैक जो है वो आपको सर्वाधिक देखने को मिलता है, और इसके लिए एक टिपिकल मैनेजमेंट है स्टूडेंट, फिश मील ट्रैप का यूज किया जाता है, कौन से ट्रैप का हम लोग यूज करते हैं, फिश मील ट्रैप जो आता है
उसके लिए किसके लिए यूज किया जाता है, शूट फ्लाई के लिए यूज किया जाता है। क्लियर है, फिश मील ट्रैप का यूज करते हैं, ज्यादा सीड रेट डालना भी इसका ही एक नियंत्रण है। लीप होल्डर आपको बताई दिया, लीप होल्डर क्या होता है, कैनाफ्लोक्रिस मेडिनेलिस है, पायरेलिडी इसकी फैमिली है, लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है। ये कीट क्या है, जैसे ही सक करता है इस तरीके से, यानी कि पत्ती को मोड़ लेता है, पत्ती को मोड़ के और उसके अंदर ही क्या करता रहता है, फीडिंग करता रहता है। ठीक है, तो ये इन कीटों के मेन मेन सिम्टम भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अरे ओके है यहां तक, सबको अच्छे से क्लियर हो रहे हैं सारे कंसेप्ट, यस और नो? जितने स्टूडेंट्स एक बार लाइव है फटाफट बताओ भाई। चलिए नेक्स्ट, धान निबलिंग ऑफ राइस ईयर, यानी कि धान की बाली या हेड को कुतरना, लक्षण किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? धान के अंदर जो है बाली को कुतरना, लक्षण जो है वो किस कीट के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? राइस के ग्रास ऊपर, राइस केसवरम, लीप होल्डर, और डी नंबर ऑप्शन है आपके पास, नन ऑफ डी। आप बताओ भी, निबलिंग ऑफ राइस ईयर हेड किसके कारण होता है? बताओ, राइट आंसर दे दो। वेरी गुड, राइट आंसर दे भाई। देखिए, निबलिंग ऑफ धान की जो बाली को कुतरना या हेड का कुतरना, मुख्य लक्षण की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, तो वो आपका किसके कारण होता है? राइस ग्रास होपर के कारण होता है। राइट आंसर तो क्या बनेगा, ए नंबर ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर बनेगा, यानी कि राइस ग्रास होपर हाइरोग्लाइफिस बेनियन। और फैमिली की बात करें तो फैमिली इसकी होती है एक्रीडीडी फैमिली, है ना, एक्रीडीडी इसकी क्या है, फैमिली होती है। कौन से कीट की, राइस का जो ग्रास ऊपर होता है मेनली इसकी। और ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर तो आपको पता ही है कौन सा होता है, ऑर्थोपटेरा। कौन सा है, ऑर्थोपटेरा इसका ऑर्डर है, और मुख्य लक्षण है निबलिंग ऑफ राइस ईयर, हेड को क्या करता है, कुतर देता है। राइट आंसर बनेगा ए नंबर ऑप्शन। ओके है बात। चलिए अभी, हु इज द मोनोफेगस पेस्ट ऑफ राइस, धान का मोनोफेगस कीट कौन सा है? एक नंबर है येलो स्टेम बोरर, बी नंबर है ब्राउन प्लांट होपर, सी नंबर है राइस का गालमीज, डी नंबर ऑप्शन है आपके पास कौन सा, नन ऑफ दीज। धान का मोनोफेगस कीट जो है वो कौन सा है, बताओ भी फटाफट से, राइट आंसर दे दो। मोनोफेगस, मोनोफेगस एकल भक्षी कीट जो है वो कौन सा है, मोनोफेगस कीट कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार, वेरी गुड, शानदार। ए नंबर आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, येलो स्टेम बोरर। कौन सा, येलो स्टेम बोरर। देखिए स्टूडेंट, ये येलो स्टेम बोरर जो कीट होता है, यानी कि इसके वैज्ञानिक नाम की अगर मैं बात करूं तो ये तो होता है स्क्रिपोफागा, स्क्रिपोफागा इंसर्टुलस, स्क्रिपोफागा इंसर्टुलस, स्क्रिपोफागा इंसर्टुलस इसका क्या है, नाम है, और यही इसका राइट आंसर है ए नंबर, कि ये क्या है, मोनोफेगस पेस्ट है। और ये कीट जैसे ही धान के अंदर अटैक करता है तो डेड हर्ट की समस्या इस कीट के कारण देखने को मिलती है। किस तरीके की समस्या, डेड हर्ट पैदा कर देता है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो व्हाइट ईयर इन राइस, धान के अंदर सफेद छिट्टों का निर्माण होना, व्हाइट ईयर निकलना, सफेद छिट्टे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि वहां पर ग्रेन नहीं बनता है, जो आपके दाने हैं वो बिल्कुल, यानी कि ऊपर वाला लेमा और पेलिया कवर ही रहता है, उसमें मिल्क कंडेंसेशन यानी कि नहीं हो पाता और दानों का निर्माण नहीं होगा, और सफेद रंग के दाने जो है वो इस कीट के कारण, अटैक के कारण दिखाई देते हैं, यानी कि बिल्कुल व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। डेड हर्ट के सिम्टम पैदा करता है, व्हाइट ईयर देखने को मिलते हैं, स्क्रिपोफागा इंसर्टुलस वैज्ञानिक नाम है इसका, पायरेलिडी इसकी फैमिली है, लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है, और येलो स्टेम बोरर धान का एक क्या है, मोनोफेगस कीट है। कैसा कीट है धान का, मोनोफेगस कीट है। क्लियर है सब लोगों को? ये थे स्टूडेंट आज के कुछ एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोगों ने डिस्कस किए, और मुझे ऐसी उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जो चीजें ऑप्शन रिलेटेड थी हम लोगों ने सारी आपको बताया। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई बैच रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो आप लोग पूछ सकते हैं।
नहीं तो हम लोग आगे के सेशन को इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, और जितने स्टूडेंट्स लाइव हैं एटलीस्ट वो इंश्योर कीजिए डेली लाइव जुड़ना 10:15 बजे, है ना। तो अगर आप लोग डेली जुड़ते हैं तो मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूं कि आप लोगों को एमसीक्यू जो हम लोग यहां करवाएंगे वैसे ही एमसीक्यू आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, और लगातार अगर आप लोग ये सेशन अटेंड करते हैं तो यकीनन आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा। जेआरएफ भाई जूनियर रिसर्च फेलोशिप को बोलते हैं, एमएससी के लिए एक टाइप का एंट्रेंस होता है, आईसीआर कंडक्ट करवाता है, और बाद में अगर हमारा इसके थ्रू सिलेक्शन होता है तो हमें स्कॉलरशिप भी मंथली मिलती है, और हम लोग अपनी आगे की पोस्ट ग्रेजुएशन को कंटिन्यू करते हैं। देखिए लोकेश कुमार जी, एजीटीए जो है वो उसकी वैकेंसी अभी आने वाली है, अभी अपडेट एक आधे दिन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मिल जाएगा, बाकी संभावना है पूर्णतया, और आप लोग इसकी तैयारी के अंदर जुटे रहे, जैसे ही वैकेंसी आती है तो हम लोग पूरी डेडिकेशन के साथ आप लोगों के साथ मिलकर के मेहनत करेंगे, और वैसे भी हम लोग मॉर्निंग वाले सेशन के अंदर जो यूपी का जो एजीटीए है उसको बिल्कुल टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई आज के सेशन को हम लोग यहीं अवर करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू एवरीवन।